हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप कैसे यूज करते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल कर आप घर बैठे ऑनलाइन दवाई ऑर्डर कर सकते हो, यानी घर बैठे आप दवाई मंगा सकते हो। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की दवाई मिल जाती हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट करके भी ऑर्डर कर सकते हो। किस तरीके से इस ऐप को यूज करना है कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करोगे, आपके सामने ये एप्लीकेशन आएगी। इसका आइकन आप देख लीजिए, आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिएगा। ट्रस्टेड ऐप है, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है। अब नीचे आप देख सकते हो लिखा गया है लेट गेट स्टार्टेड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका अकाउंट इसी नंबर से क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या नहीं है तो नीचे आपको नॉन ऑफ द अबव लिखा मिलेगा। जैसे आप नॉन ऑफ द अबव पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मैनुअली अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हो, और उसके बाद आपको लॉग इन विथ वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर इस तरीके से ओटीपी आएगा, और ओटीपी जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ परमिशन मांगेगा, आप परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा ताकि एप्लीकेशन अच्छे से वर्क कर सके। अब ऊपर की साइड आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आपको दवाएं मिल जाती हैं। मेडिसिन है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर दवाएं और प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। नीचे की साइड आप आओगे तो और भी जो यहाँ पर पॉपुलर प्रोडक्ट चल रहे हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। ऊपर की साइड आपको सर्च बार मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कोई भी दवा का नाम सर्च कर उसे ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बाई करना है। तो बाई करने के लिए जैसे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है जो आप बाई करना चाहते हो, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो, क्वांटिटी नीचे की साइड आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक कर सबसे पहले आप इसे कार्ट में ऐड कर लीजिएगा, या फिर और अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानना है प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो वो सब डिटेल आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन नीचे आकर पढ़ सकते हो। आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। सेम इसी तरीके से अगर आप सर्च कर कुछ बाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च करिएगा। सर्च करते ही आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग आपको करेक्ट टाइप करनी है। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करोगे आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके भी सेम उसी तरीके से आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पर कार्ट में ऐड कर सकते हो। अगर कुछ सर्च करते वक्त आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपको सही टाइप करनी है, तभी आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ ही वर्ड टाइप करोगे, उसके बाद नीचे आपको प्रोडक्ट सजेशन में देखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नीचे वाली लिस्ट से आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ भी आपको फोटो दिख जाएगा प्रोडक्ट का। ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर आप इसे कार्ट में ऐड कर सकते हो, और उसके बाद जो भी इस दवा के जो भी सब्स्टिट्यूट हैं वो नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी यहाँ से बाई कर सकते हो। नीचे की साइड आओगे तो आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा। और अगर रिटर्न पॉलिसी होगी तो नीचे की साइड आपको रिटर्न पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल निकाल सकते हो। तो अभी हम इस मेडिसिन को ऑर्डर कर आपको दिखा देते हैं। ऐड टू कार्ट पर आप क्लिक करिएगा, और नीचे की साइड आपको गो टू कार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो प्लस पर क्लिक कर आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, बढ़ाकर आप ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 क्वांटिटी रख लिया है। अब उसके बाद गो टू कार्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपने मेडिसिन सेलेक्ट किया है वो मेडिसिन आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ बेसिक सी डिटेल फिलअप करनी होगी। नीचे की साइड आप देख सकते हो हमें टोटल 153 रुपीज़ पे करने हैं। और अब हम यहाँ पर जो कंटिन्यू लिखा गया है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड मोर प्रोडक्ट पर क्लिक कर आप और भी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टाइप करना है। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल जो है वो फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आपके हाउस नंबर का, जो भी आपका हाउस नंबर है या फिर स्टेट एरिया है, वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा, जिससे डिलीवरी बॉय को थोड़ा आसानी हो। जो आप एड्रेस फ्लिपकार्ट के अंदर फिल करते हो वही सेम एड्रेस यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करना है, और उसके बाद आपकी एरिया लोकेलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपका नंबर दिखाया जाएगा। अगर यह नंबर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल हम सभी डिटेल फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सभी डिटेल फिलअप कर दी हैं। अब आपको सेव एड्रेस पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर दोबारा से यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी दवाई आप परचेस कर रहे हो उसका प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था तो मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए गैलरी से एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया था। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने केवल फ़ोटो अपलोड कर दिया, उसके बावजूद भी जो मेरा ऑर्डर है वो कन्फर्म हो गया है।
अगर आप कोई अदर प्रोडक्ट बाई कर रहे हो दवाई के अलावा, तो वो सब आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के ही बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे ही फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ पर वैलिड प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है वैलिड डॉक्टर की साइन के साथ, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो या फिर यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी पर भी आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो। यानी जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप दवाई ऑर्डर कर सकते हो। अब आपको कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट देख सकते हो, कहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसका स्टेटस क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लास्ट में अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप आओगे तो माय ऑर्डर्स नाम से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मैंने दवाई ऑर्डर करी है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी जो ऑर्डर है वो कन्फर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ट्रैक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो अभी कहाँ तक आपका ऑर्डर पहुँचा हुआ है, और उसे आप कैंसिल वगैरह भी यहीं से कर पाओगे। अगर आपने गलत प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया होगा तो यह जो आपका ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट के साइड में आपको आर्टिकल नाम से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आकर आप कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको दो नंबर पर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर आप कैटेगरी वाइज शॉपिंग कर सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन आपको तभी अपलोड करना होगा जब आप कोई दवा परचेस कर रहे हो। अगर आप यह सब हॉर्लिक्स वगैरह परचेस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।